अधिकार है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो हमारी नेशनलिटी हो किसी भी। और यहाँ पर हमारे बीच में ऐसी शख्सियत मौजूद है, मिसेस किशोरी भगत, डॉक्टर किशोरी भगत, जिन्होंने पीएचडी ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार पे की है। मेरे ख्याल से मैम को मैं बोलती हूँ कि वो दो शब्द, क्योंकि उन्होंने पीएचडी की है और हम सबका इस सौभाग्य की है कि आज आप हमारे बीच में हैं। मैम, वुड यू लाइक टू स्पीक समथिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स टुडे एंड शेयर योर थॉट्स टू द पीपल ओवर हियर? Yeah, that outside, I would like to thank the organizers, International Human Rights Council, and Saniji Vasariya ji, because of whom we've been nominated for the award here. बहुत सारे reasons हैं जिसकी वजह से ये खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि 24 साल पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने टीचिंग शुरू किया था, एंड एट द ईव ऑफ 25th ईयर हम दोनों को टीचिंग के लिए अवार्ड मिल रहा है, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। दूसरा एक रीज़न है, बिकॉज इट इज़ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, उनकी तरफ से ये अवार्ड मिल रहा है, इसीलिए बहुत और खुशी है। तीसरा रीज़न ये है, क्योंकि एक टीचर के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेमोरियल अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। ऑन द ईव ऑफ 5th of September, जिनके लिए, जिनकी प्रेरणा लेके हमने टीचिंग फील्ड में आए हैं, उनका अवार्ड मिलना, उनके मेमोरियल अवार्ड मिलना, ये बहुत ही खुशी की बात है। और हम दोनों को, मैं हस्बैंड वाइफ को, ये मिल रहा है, तो मैं उनकी तरफ से भी, हम दोनों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ सर, कि हम दोनों को ये अवार्ड मिला है। ह्यूमन राइट्स की वजह से दो पीएचडी की है मैंने, एक बैंकिंग के ऊपर की है, पुलिस पब्लिक रिलेशन के ऊपर की है। ह्यूमन राइट्स के बारे में अभी बहुत ज़्यादा बोलने के लिए तो टाइम नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि दो चीज़ हमको करना है इस ह्यूमन राइट्स के लिए। एक सर, ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड अवेयरनेस बहुत कम है, सो वन, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया एंड क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन राइट्स। सो वन वी नीड टू डू इज क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन राइट्स, एंड सेकेंड, बहुत छोटी छोटी चीज रहती है जो हमको पता नहीं रहती, सो वी नीड टू मेक देम अवेयर। लोग दूसरे लोगों के राइट्स को या उनको हेल्प करने के लिए जाते नहीं है, दे बी एट द बैक, एंड उनको ऐसा लगता है कि क्यों करना है, जो सोशल सर्विस करेगा वो करेगा। सो वन लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज सोशल सर्विस, लेट अस ऑल रिप्लेस दिस सोशल सर्विस एज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वंस वी कम आउट विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, we can really work out for human rights. Thank you so much for calling me here. Thank you so much, and we have a sir also along with you. I would request Sunny ji to please felicitate Kishori ji and Mr. Bhagat ji. Ladies and gentlemen, huge round of applause once again for the teachers who done PhD on human rights. Human rights jiske liye ये वो जो संस्था है जिसके लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये वो संस्था है जिसने आज ये बहुत ही जबरदस्त मेमोरियल अवार्ड्स एस राधाकृष्णन 2018 इन अवार्ड्स का आयोजन किया, जो स्पेशल अवार्ड्स हैं जस्ट फॉर टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स। जोरदार तालियां हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल का है, एक सोशल संस्था है जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, और हमारी संस्था 27 राज्यों में काम करती है। आज हमने केरल में लोगों के लिए कपड़े भेजे हैं सर, आज हमने केरल के लोगों के लिए अनाज भेजा है, बिस्किटे भेजी हैं, टी शर्ट भेजी हैं, ये सब हमारे अध्यक्ष महोदय ने भेजा है, और 27 राज्यों से हमने इकट्ठा करके केरल में जो इफ्तार आई हुई है उसके लिए हमने भेजा हुआ है। इसके लिए हमारी संस्था ये काम करती है सर, और मैं ये चाहता हूँ अपनी संस्था की तरफ से दोनों हाथ जोड़कर आप सबको विनम करता हूँ कि हमारा जो ये काम हम कर रहे हैं इसके लिए आपका अपना फेडरेशन भी हमारा सहयोग करे। दोस्तों, मुझे लगता है आप मेरी आवाज आप लोगों के कानों तक अगर पहुंचाइए तो आप सबके जोरदार तालियां चाहूं। दोस्तों, अब मैं फिर से वापस आ जाता हूं, थोड़ा वॉल्यूम नीचे कर लेता हूं, क्योंकि अभी 2019 का इलेक्शन बाकी है। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि दो शब्द कहें। जी बिल्कुल, इससे पहले कि दिवाली जी कुछ कहें, एक बार
Tiwari, President Federation of Western India Senior Employees हैं. मैं सराब से रिक्वेस्ट करूंगी कि दो शब्द आप कहें. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का भी, सनी साहब का, रामा जी का, रामा बहरा जी का, आप सबका, सारे टीचर्स गुरुजन आए हुए हैं. मैं लगता था कि बोलता हूँ मगर रामा मेरा को सुनने के बाद मेरी आवाज़ बंद हो गई. सारे लोगों के हिस्से की बात एक आदमी ने कह डाली है, तो मैं सिर्फ आप सबको प्रणाम करके अपनी बात को विराम देता हूँ. इससे अच्छा कोई बोल नहीं सकता. आने वाले लेकिन यहाँ जो सम्मान दे के टीचर लोगों को बुला कर सम्मान दिया जा रहा है, मेरी तरफ से उन्हें सात लोगों को बधाई हो. और जैसे कि हमको बताने की बात करने के लिए रामा मेरा हमारे जो आने वाले लीडर है दादा बाबा, जैसे जिन्होंने दादा बाबा का नाम लिया उसी दादा बाबा का कहता हूँ, तो एक वोट मैं मेरा उनके लिए से नमस्कार. इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अध्यक्ष सनी साहब, रामा मेहरा जी और सभी उनके जो भी पदाधिकारी हैं, हम लोगों को इस स्टेज पर बुला के सम्मानित कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और जो लोग भी इस संस्था से अवार्ड हुआ है उनको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं. और हमारी फेडरेशन जो लगभग 5 लाख लोग हमारे फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, इस संस्था के साथ जहाँ भी जो भी जरूरत पड़ेगा हमेशा खड़ी रहेगी. धन्यवाद. May I request? हमारे बीच में अतुल राजकुले जी हैं. May I request? पहले तो जोरदार तालियां उनके लिए हो जाएं और मैं request करूंगी अतुल जी से कि वो दो शब्द कहें. मैं सनी जी का शुक्रगुजार हूं, मेरे मित्र रामा जी जिन्होंने मुझे यहां बुलाया. और ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इट्स बहुत एक आम जिंदगी में जैसे बोलते हैं कि एक पुलिस होनी जरूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशन, वैसे ह्यूमन के राइट्स क्या है वो ये काउंसिल बता रही है कि वी प्रोटेक्ट योर राइट्स, एक ह्यूमन के राइट्स. बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं लोग. I would request him to present a token of appreciation to Sri Atulji. And I would also request him to present a token of love and appreciation to Mr. Ashwath Kotekar, President Dada Saheb Phalke Foundation. दोस्तों एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल और फोर्थ एक बार जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर एस राधाकृष्णन मेमोरियल अवार्ड 2018 के लिए.
I would request Mr. Sunny Ji to please felicitate a token of love and appreciation from International Human Rights Council to Ms. Vani Vashish. She's not just a film actress, but the best part about it is that she's acted in the world's first 3D film, which is made in Sanskrit. Ladies and gentlemen, huge round of applause for her. Ms. Vani to please speak a few words. नमस्कार आप सबको और मेरा भावपूर्ण नमन डॉक्टर एस राधा कृष्णन को. धन्यवाद करती हूँ सनी शाह जी को एंड अ ब्यूटिफुल एंकर एज वेल. थैंक यू वेरी मच. हम जिस उपलक्ष्य में यहाँ पर है वो है टीचर्स डे, यानी कि गुरु का दिन. गुरु से तात्पर्य है, इसका संधि विच्छेद किया जाए तो गु तात्पर्य है अंधकार और रु रोशनी. गुरु वो होता है जो हमें अंधकार से रोशनी की तरफ लेकर जाता है. आज के दिन मेरा हर गुरु को नमन है. गुरु से मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारे टीचर्स, गुरु से मेरा मतलब है हम सब एक दूसरे के गुरु हैं, क्योंकि हम सबको एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. और जब बात करते हैं लोग, जैसे कि अक्सर हमने सुना है कि गुरु सिर्फ एक होना चाहिए, अगर हम दूसरे गुरु के पास जाते हैं तो कहते हैं कि गुरु मत बदलिए. मेरा ये मानना है और आप सबसे कहना भी है कि हमें गुरु बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे कि हमें गुरुओं का आशीर्वाद मिले और हम सबको गुरु का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा मिले. हमारे माता पिता, हमारे लाइफ गॉड यानी कि हमारे गुरु, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आप सबके आगे दो शब्द बोल रही हूँ. थैंक यू सो मच सनी जी, और मेरी दिल से शुभकामना है हम सब के लिए. थैंक यू. थैंक यू वाणी जी, दिस वॉज एब्सोल्युटली गोल्डन वर्ड्स आई मस्ट से. Well, हमारे बीच में एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड, आई वुड से एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्लेबैक सिंगर, और काफ़ी शोज ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सालों से करते आ रहे हैं, एन एक्सट्रीमली सीनियर सिंगर एंड एक्सट्रीमली सीनियर ऑर्गेनाइजर. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर राजू टॉन्ग जी ऑन स्टेज. न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस सनी जी के पास चलते आना है. एवरी ईयर जब भी उनका जो भी इवेंट्स होते हैं, डेफिनेट मुझे बहुत याद करते हैं और बहुत अच्छा मौका देते हैं मेरे को. तो मैं चाहता हूँ सनी भाई का, रमा मेहरा जी का, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं खास हमारे एंकर कोयल जी, एक्ट्रेस वानी, क्योंकि वो हमारी पड़ोसी थी, अभी तो नहीं है, मेरे घर के बाजू में पास में रहते थे, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद ना डैडी दिख रहे ना मम्मी, कोई मिलते नहीं है कंटेंट, तो आप कहाँ पे सीट हो गए. थैंक यू. तो डेफिनेट हम याद करेंगे जरूर. और रामा मेरा छत नीचे आई थी, अभी दोबारा ऐसा काम मत करना. ऊपर से होटल के ओनर ने आके बोला कि भाई जरा संभाल के बहुत साहब, सनी साहब और क्या बोलूं, आपने बोलने का रामा ने पूरा सबके लिए बोल दिया, साथ में तो मेरे लिए कुछ बोलने के लिए है ही नहीं. तो सनी साहब और कुछ दो शब्द आप बोलेंगे हमारे सबके लिए, आपने इतना बड़ा सम्मान दिया हमें. आज आप सब जितने भी अतिथि हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से आप लोग आए और हमारे टीचर और प्रिंसिपलों का उत्साह बढ़ाया. रोज तो इनकी यूजुअल लाइफ होती है, स्कूल स्कूल टू होम, लेकिन आज इनको एक मनोरंजन देखने मिला जिसकी वजह से काफ़ी टीचर और प्रिंसिपल अब तक आपके साथ ये मंच शेयर कर रहे हैं और आपसे मनोरंजन जो मिल रहा है तो एक अलग एटमोसफियर क्रिएट हो रहा है. इसके लिए आप सबका मैं अपनी संस्था की ओर से तहे दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ.
थैंक यू सनी जी, अब क्या कहना चाहेंगे सबके बारे में कुछ? मैं क्या कहना चाहूँगी फिलहाल, मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार, जो बहुत कम लोगों को मालूम है कि एग्जैक्टली मानव अधिकार क्या होते हैं, और इस संस्था ने आज 5 सितंबर को ध्यान में रखकर, डॉक्टर राधा कृष्णन जी को याद को मन में याद रखकर, पूरे भारत वर्ष से टीचर्स और प्रिंसिपल्स को फेलिसिटेट किया, बहुत तरह के अवार्ड्स होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव, ऐसा बहुत कम देखा गया है अवार्ड्स में, मोस्टली बड़ी बड़ी फिल्म पर्सनालिटीज़ को बुलाया जाता है, पॉलिटिशियंस को बुलाया जाता है, बहुत से सोशल वर्कर्स हैं उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आज हम जो कुछ भी हैं अपने माँ बाप, अपने भगवान के बाद, जो कुछ भी हैं अपने गुरुजी, अपने अध्यापक की वजह से हैं। तो एक बार जोरदार तालियां सनी शाह जी के लिए हो जाए, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए हो जाए। दैट्स अबाउट इट, दैट्स इट। अब हमारे बीच में थोड़ी देर में 10-15 मिनट में दीपक सावंत जी, जो एक बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और अमिताभ बच्चन जी से काफी मेकअप 35-40 साल से जुड़े हुए हैं, और उनके अलावा एक जो एक्टर भी आ रहे हैं थोड़ी देर में, प्लीज। क्यों नहीं, उनको एक ये है कि अप्रोच करने का एक तरीका है, वो तरीके से अगर आप उन पर अप्रोच करते हैं वो हर जगह जाते हैं, तो मेरा मानना ये है कि आपके लिए भी वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपका कॉज अच्छा है, आप जो काम कर रहे हो वो सबसे बेहतरीन काम है, और ऐसे काम में अमित जी सबसे पहले आगे रहते हैं। वो सीढ़ी आप ही है जहाँ तक पहुँचने के लिए। नहीं, सीढ़ी का रास्ता मैं बता दूंगा, रास्ते पर आपको चलना है, क्योंकि आप वो रास्ते से जाना है, तो वो सीढ़ी का रास्ता मैं बता दूंगा कैसे जाना है, और हो सकता है कि अगले आगे बड़े इसमें हो जाएगा तो वो भी आ जाएंगे, अच्छी बात है। दोस्तों, मैं और सनी साहब अमित जी के बंगले पे गए थे, दीपक जी, मुझे अच्छा लगा कि आपने हम सबको पहचाना, हमारी संस्था को पहचाना, क्योंकि वाकई में हमारी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मैं और सनी साहब दोनों अमित जी के बंगले पे गए थे, जनक में गए थे, पीछे वाले बंगले, बाकायदा हमें बुलाया गया, लेटर भी दिया। तो उस समय एक कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने शो का डेट फिक्स कर दी, और उस समय अमित जी किसी फिल्म की शूटिंग में जा रहे थे, तो अमित जी ने कहा यार अगर पहले से कंसल्ट कर लिया होता तो शायद मैं आ जाता, लेकिन अभी आपका प्रोग्राम भी फिक्स है और मेरा जाना भी फिक्स है। मैं आपको बताऊं कि हमारी संस्था के लिए अमित जी ने एक बहुत बड़ा लेटर भेजा है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ साहब का, अमिताभ बच्चन जी का, कि हमारी संस्था के लिए बहुत बड़ा लेटर दिया, और उसमें ये मेंशन भी है कि आगे जब कभी कोई प्रोग्राम करें तो मुझसे कंसल्ट करने में जरूर आऊँगा। तो मैं जोरदार ताली चाहता हूँ सर, कि जिस कलाकार को देखने के लिए लोग बंगले के बाहर हजारों की तादाद में खड़े होते हैं, उस कलाकार के दिल के करीब आपका दीपक सावंत है। गुजराती मैगजीन थी, वो मैगजीन में गुजराती लोग कैलकुलेशन में बहुत उस्ताद होते हैं और जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, तो उन्होंने, क्योंकि मैं मेकअप करता हूँ तो उसको ठीक रखने के लिए मुझे बार बार जाके उसको टचअप करना पड़ता है, एक दो दफ़े मेकअप होता है बार में टचअप करना पड़ता है, तो उन्होंने लिखा कि भाई एक दिन में वो 100 बार हाथ लगाते हैं, तो महीने में 3000 बार हाथ लगाते हैं, तो 12 महीने में 36000 बार हाथ लगाते हैं, 12 महीने 36000 बार, 1 साल का हो गया, 45 ईयर्स का कितना होता है, उन्होंने कैलकुलेशन किया था और उसके नीचे एक लाइन में लिखा था इतनी टाइम जया जी ने भी हाथ नहीं लगाया। क्या बात है दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे प्रोग्राम में आए, और मैं चाहता हूँ कि जब कभी मैं संस्था की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे हाथ जोड़ के, कि जब कभी भी हमारी संस्था का इन्विटेशन आए तो आप जरूर आइए, हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और आप सबका साथ चाहिए, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते साहब, ये संगठन है, ये सब आपका प्यार है, आशीर्वाद है। हमने इसके पहले सी प्रिंसेस में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, उसके पहले भाईदास हॉल में किया, हमने पनवेल में भी किया था, पनवेल के लीडर भी आए हुए यहाँ पे, तो जब कभी भी हो तो आपका सहयोग चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आप साहब का, आपके साहब का भी प्यार आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रामा जी, थैंक यू सो मच सावन जी, थैंक यू सो मच दीपू जी, थैंक यू सो मच थेलू जी। हमारे बीच में सोशल वर्कर सौरभ श्रीवास्तव जी, सौरभ शर्मा जी हैं, आई वुड रिक्वेस्ट
social worker, Mr. Saurabh Sharma ji, to please come forward on the dais. Well, जी जब तक सौरभ जी डायस पर आ रहे हैं, जैसा कि हमने बोला कि आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने बहुत ही ज़बरदस्त शाम का आयोजन किया जो टीचर्स डे पर है, 5 सितंबर आने वाला है, लेकिन आज बहुत ही खास दिन है। आज का दिन बहुत खास है, बहुत शुभ है, क्योंकि 5 सितंबर आने वाला है। और आज का दिन इसलिए खास और शुभ है क्योंकि आज और कल हमारे पूरे भारत में और समस्त पूरे वर्ल्ड में जो भारतीय हैं वो सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, जय श्री कृष्णा। ऑलराइट, हाथी घोड़ा पाल की, मेरे पीछे हाथी घोड़ा पाल की जय श्री कृष्णा। हमारे बीच में हवाईयन गिटारिस्ट, इंडिया नंबर वन, हमारे बीच में मिस्टर राजेश, जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड हवाईयन प्लेयर है, हवाईयन गिटार प्लेयर है। जैसा कि अभी अभी मैंने बोला कि टीचर्स डे आने वाला है, जन्माष्टमी हम लोग ऑलरेडी मना रहे हैं, तो जन्माष्टमी के इसी धूम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर से कि आप जबरदस्त, आपका जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पर सब लोग देखें और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।